उसका जो फॉल है वो तो हुआ था हेल के अंदर, और बेसिकली वो जो उसकी सजा थी वो हमेशा के लिए थी, वो कभी खत्म नहीं होनी थी। अब वो उसका फॉल ही है जो उसको हेल में दिखाया गया है कि किस तरीके से वो हेल में भी इन अ फॉलन पोजीशन था, बट ही वाज कंसीडरिंग हिम ड्यू टू हिज प्राइड कि वो अभी भी बादशाह ही है। इस वजह से उसने कहा था टू बेटर, ये बेटर है कि वो राइन इन हेल करे रादर देन टू सर्व इन द हेवन। तो इस वजह से बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो वो जो है उसके लिए जो राइन है वो वर्थ एम्बिशियस था। वो कहता ना इन माय चॉइस टू राइन इज वर्थ एम्बिशियस। वो कहता मैं अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए। तो एक्चुअली वो जो है उसका जो राइज था वो यही था कि जनाब वो जब हेवन में था तो वो अपने वो उसके अरूज पे ही था, ठीक है। और जो उसका फॉल है दैट इज जस्ट ड्यू टू हिज हमाशिया, उसका प्राइड, जिसकी वजह से उसका फॉल हुआ था। और फॉल इज इन अ सेंस हम ये भी कंसीडर करेंगे कि उसकी चाल ये थी कि अगर उसको जहन्नम में फेंक दिया गया तो इंसान को भी फेंका जाए, ये गॉड ने जो एक और क्रिएचर बना दिया इसको भी फेंका जाए। लेकिन उसका एंड में क्या हुआ, उसके साथ ट्रेजिडी ये हुई कि जो मैन था अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, ठीक है। और वो इस तरह से सैटर्न का ये भी फॉल हो गया, वो ये उसके साथ फिर ट्रेजिडी होगी कि वो जो चाहता था वो हो नहीं सका, बट ही स्टिल इन अ फॉलन पोजिशन। अगर एक इंसान हेल में है, ये आप लोग लाइंस पढ़ेंगे कहाँ पे, डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ेंगे ना, वहां पे भी आएगा बेल्जीबब, अभी उधर भी आना है। तो वहां पे जाके आपका अंदाजा होगा कि ये अब एक फॉलन पोजीशन में, हमने एंजल्स को क्या देखा था कि वो फॉलन एंजल्स, ठीक है। इट मींस कि दे आर, उनकी जो पनिशमेंट है वो एटर्नल पनिशमेंट है और वो अब कभी खत्म नहीं होगी। तो बेसिकली दैट इज द फॉलन पोजीशन ऑफ द सैटर्न, ठीक है। तो वो अपने फॉलन पोजीशन में ही है, लेकिन ये उसका प्राइड है कि वो कहता है कि जी मैं जो हूँ डाइनी, देखने में वैसे उसका फॉल है लेकिन उसकी नजर में वो उसका राइन है। दैट इज इट कि वो जी अभी भी बादशाह है और वो सारा कुछ इस तरीके से लेके चले, लेकिन बट दैट इज बेसिकली द फॉल एंड राइज। और फॉल एंड राइज एक इन अ सेंस हम यू भी दिखा सकते हैं कि उसका जो है उसने इससे पहले कितनी जंगे की गॉड के साथ, गॉड सन के साथ और एंजल्स के साथ, ठीक है। लेकिन हर दफा उसका फॉल हुआ। एंड आफ्टर एट द एंड जो है उसने जब जन्नत से निकाल दिया तो उसका एक फॉल ये भी हुआ कि गॉड की मर्सी जो है वो सामने आई और गॉड ने इंसान को बख्श दिया। ये है बताया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का?